मोहल्ला सुखाड़ा विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज में आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सुरेश कुमार चौधरी नामक एक पीएचडी स्कॉलर जो कि साइंस कॉलेज में कार्यरत है उक्त व्यक्ति द्वारा रात्रि में 8 बजे बाद कुछ छात्राओं को पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज किए गए कि अगर उन्हें किसी भी विषय में कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आकर मिले। इसके अलावा भी जब बहुत सारे अन्य मैसेज स्कॉलर द्वारा छात्राओं को किए गए तो इन छात्राओं ने परेशान होकर सुरेश चौधरी के इस कृत्य की जानकारी अपने घर वालों को दी। इसको लेकर इन सभी छात्राओं के घर वालों ने भी इस पीएचडी स्कॉलर के इस कृत्य की कड़ी निंदा की, लेकिन इन परेशान छात्राओं ने जब ये जानकारी अपने परिजनों के साथ ही अपने कॉलेज के सहपाठियों और छात्र नेताओं को दी तो बात आगे बढ़ गई और प्रदर्शन तक पहुँच गयी और देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हो गए और कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। नेता चिराग चौधरी के मुताबिक ये घटना कॉलेज में पहली बार घटित नहीं हुई है। इससे पहले भी छात्राओं को उनके व्हाट्सएप नंबर पर और इंस्टाग्राम पर इस तरह के मैसेज भेजकर उनके साथ निजी तौर पर व्यवहार बनाने की कोशिश की जा रही थी और उन्हें एग्जाम में पास करने जैसे लालच भी देते हैं ताकि छात्राएं उनके साथ संपर्क बढ़ाएं। इन छात्रों ने छात्राओं के साथ लंबे समय से हो रही ऐसी हरकतों पर तुरंत रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसे कार्य में लिप्त प्रोफेसर्स के साथ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई किसी छात्रा को ऐसे मैसेज ना कर सके। विज्ञान महाविद्यालय में ये कोई घटना अभी हुई है जो कोई पहली बार नहीं हुई है। कोई पीएचडी स्कॉलर कोई प्रोफेसर पर्सनल मैसेज करते हैं गर्ल्स को और पर्सनल उनसे व्यवहार बनाए कि करते हैं कि जैसे हम लोप देते हैं कि इनडायरेक्टली लोप देते हैं। आप सब समझ सकते हैं कि पास कर दूंगा ये वो, जिससे कितने ही मेरे पास पहले ही शिकायत आई है गर्ल्स की कि ये ऐसे बात करना चाह रहे हैं, पर कभी कोई लड़की हिम्मत नहीं करती है कि सोचती है कि हमारी बदनामी होगी। कल भी एक ऐसा कृत्य हुआ जो कि एक गर्ल्स को पर्सनली पीएचडी स्कॉलर मैसेज करता है कि आप कॉलेज में कब आते हैं, आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उस लड़की को लगा कि नहीं सर सही में हेल्प करना चाहते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मैं हेल्प यदि तभी करूँगा जब आप पर्सनल आओगे। उसने बोला कि मैं मेरी 5 फ्रेंड है हम सब साथ में आएंगे सर, हमको कुछ नहीं समझ में आए कभी तो आप बता देना। कि नहीं 5 फ्रेंड्स को लेके नहीं आएंगे, आप पर्सनल आएंगे, ये सब चीज़ आपके लिए ही है, सभी के लिए नहीं है सुविधा। अब आप समझ सकते हो ये लैंग्वेज क्या हो सकती है, ये आपके लिए और आपको ही मैं समझाना चाहता हूँ। फिर उस लड़की की तरफ से कोई सामने से रिप्लाई नहीं रहता है, तो रात को 10-11 बजे व्हाट्सअप कॉलिंग की जाती है। उसको व्हाट्सअप कॉलिंग अटेंड नहीं होती है तो एक इंस्टाग्राम पे अभी वेनिश मोड चलता है जिसमें लड़की मैसेज पढ़ते ही जो भी सामने वाला मैसेज पड़ेगा वो डिलीट हो जाएगा। वहाँ भी उससे जो पीएचडी स्कॉलर है उससे गलत मैसेज करता है, फिर वो लड़की बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तो आज या कल जब भी क्लास आते हैं वो, तो वो सर उनके द्वारा यूं रहता है कि अब्सेंट लगा दूंगा या फिर तुम्हारे फाइल में गलत कर दूंगा, मतलब अच्छा काम लिखोगे तो भी मैं रेड रेड मार्क्स कर दूंगा, ऐसे गलत काम करते हैं वो। और हम उस लड़की का नाम लेके कहीं हम ऐसा कार्य नहीं करना चाहते जिससे उनकी बदनामी हो, और आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि बस एक मैसेज के तौर पर ये न्यूज़ चलाएं, ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे कि उस लड़की, आज जो लड़की पहली बार इस साइंस कॉलेज में उठ के आई है हमारे साथ गलत हुआ, कि फिर वो कोई लड़की आज के बाद किसी के साथ गलत हो तो वो आके हमें बतावे नहीं। क्या मांग किया हमने? मांग यही है कि जो भी है उसको या तो बाहर निकाला जाए, खत्म किया जाए उसका, कि भाई पूरी इंटर्नशिप ही खत्म की जाए, और नहीं करते है तो साइंस कॉलेज में वो लड़की 3 साल तक पढ़ती है तब तक तो उसको रेस्टिगेट किया जाए। क्या नाम है? वो हम सर अभी नहीं बता सकते। मेरा नाम उमल जुंडावत है, मैं कॉमर्स कॉलेज से हूँ, वहाँ के छात्र प्रतिनिधि हूँ मैं। और ये सब अब पहली बार नहीं हुआ, ये कॉमर्स में भी होता है, वहाँ पे भी जब गर्ल्स वहाँ से निकलती है तब लड़के भी कमेंट करते हैं, थोड़े टीचर्स भी उनको मैसेज वगैरह करते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ नहीं। पर मैं तो खुद है ना इस चीज़ से मतलब बहुत खुश हूँ कि आज किसी लड़की ने इन लड़कियों के लिए आवाज़ उठाई है। मैं हमेशा उठाती हूँ पर लड़की कभी सामने आती नहीं है, बोलती नहीं है। हमारे डीन के सामने भी कभी कोई जाके सामने से बताता नहीं कैसा हुआ है, पर किसी ने अगर बोला है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे लिए तो ये मतलब वो एक जरिया मिल गया जिसके लिए हम सब यहाँ पे आज खड़े होकर उनके उस लड़की के लिए लड़ सकते हैं। और ये सब समझ रहे कि ये सब हमारे लिए ही हो रहा है, इसलिए आज ये सब खड़े, एक ये सब स्टूडेंट ही है, नॉर्मल स्टूडेंट है, कोई इनमें से छात्र नेता कोई नहीं है। तो हम सब आपसे ये अपील करते हैं कि ये मैसेज अगर सब जितने भी टीचर्स देखेंगे इस उदयपुर में, जितने भी यूनिवर्सिटी स्कूल के टीचर हैं, तो देख लो, समझ जाए वो, समझ जाए कि आज के बाद किसी भी लड़की के साथ वो कुछ गलत नहीं करें। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे बी आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति,
इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, कालापानी मोतियाबिंद नाखुना नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन आरके एंड लेजिंग, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान, कॉल इट 2561600, मोबाइल नंबर 9829041330।